क्या आप बहुत दिनों से रियल स्टेट के बिजनेस में एज एन एजेंट काम कर रहे हैं? क्या आप बहुत दिनों से काम करने के बाद भी आपकी नंबर ऑफ डील्स बढ़ नहीं रही है और आपको ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं आ रहे जो आना चाहिए? कई बार कई लोगों ने कमेंट करके कहा कि सर डील जल्दी नहीं होती, सर बहुत दिनों से मैं काम कर रहा हूँ इतना ईजी नहीं है। इन सब लोगों के पेन पॉइंट्स प्रॉब्लम को समझने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आए जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आप इस वीडियो के एंड तक ये तो समझ जाएंगे कि एक मार्केटिंग एजेंट को, एडवाइजर को, रियल्टर को एक मार्केटिंग प्लान कैसे डिजाइन करना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाना चाहिए। ये पूरा मार्केटिंग गाइड है स्टेप बाय स्टेप आपको एक सफल, सक्सेसफुल, बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाला रियल स्टेट एजेंट बनाने के लिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट ट्रेनर, रियल स्टेट एंटरप्रेनर, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे एज एन एजेंट आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ गुड मार्केटिंग, रियल स्टेट मार्केटिंग प्लान की वजह से। दोस्तों, जो भी चीज़ें हम आप तक लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे सीईओ से, मार्केटिंग एजेंसी से, डायरेक्टर से, रियल स्टेट एजेंट से बात करने के बाद, और हमारी कंपनी में भी जो हम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं पिछले 14-15 साल से, मैं एक रियल स्टेट एंटरप्रेनर हूँ, मेरी 3 से 4 कंपनीज रियल स्टेट में है, और जो स्ट्रेटेजी हमने खुद भी इंप्लीमेंट की है वो सीक्रेट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ताकि आप ग्रो कर सके, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, हम नहीं चाहते आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है एज अ मार्केटिंग एजेंट या एज अ रियल स्टेट एजेंट, एडवाइजर, रियल्टर, वो है फाइनलाइज द प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट फर्स्ट। आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में, जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में मार्केटिंग करना चाहते हैं, पहले उससे फाइनलाइज कीजिए। फाइनलाइज करने का मतलब है उसे ठीक से समझिए कि वो प्रोजेक्ट कहाँ है, उसके क्या एडवांटेजेस है, वो प्रोजेक्ट डिमांडिंग जोन में है या नहीं, आने वाले समय में वहाँ क्या फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट्स है, उसके आसपास कितने लैंडमार्क्स है। जब तक एज एन एजेंट, एडवाइजर, आप ये प्रॉपर स्टडी स्टेप बाय स्टेप नहीं करते, आप एक अच्छा मार्केटिंग प्लान डिज़ाइन ही नहीं कर सकते। हाँ दोस्तों, इसलिए आपको ये स्टेप को करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डिटेल में समझना ज़रूरी। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, इन्वेस्टर है, बायर है, सेलर है, रेंटल एजेंट है, किसी भी, या एक फ्रेशर क्यों ना हो रियल स्टेट में, आपको ये स्टेप्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 99% लोग रियल स्टेट में जर्नी एज एन एजेंट या एडवाइजर ही शुरू करते हैं। सेकेंड स्टेप, लिस्ट मिनिमम 3 USP एंड डिफरेंशिएटर ऑफ दैट प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट फाइनल हो चुका है तो अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है उस प्रोजेक्ट के बारे में 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर या USPs लिखिए। अब USP क्या है? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। जो भी फ्लैट स्कीम या अपार्टमेंट या टाउनशिप या कमर्शियल प्रोजेक्ट या लेआउट, प्लॉटिंग का लेआउट आप बेचना चाहते हैं, उसके 3 इंपॉर्टेंट यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है जो उस एरिया में बाकी किसी के पास नहीं है, या 3 ऐसे डिफरेंशिएटर क्या है जो उस प्रोजेक्ट को या उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हो मार्केट में बाकी प्रोडक्ट से। वही आपके काम आएगा जब आप अच्छा मार्केटिंग प्लान बनाएंगे, तभी आप उन चीज़ों को हाईलाइट करके अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तीसरी स्टेप, डिफाइन क्लियर टारगेट ऑडियंस। दोस्तों, ये स्टेप इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, आपके 20 लाख के प्रोडक्ट, 50 लाख के प्रोडक्ट, 2 करोड़ के प्रोडक्ट या 5 करोड़ के प्रोडक्ट का ऑडियंस कभी सेम नहीं हो सकता। अगर आप 50 लाख के प्रोडक्ट के लिए जहां मार्केटिंग कर रहे हैं वहीं 3 करोड़ के प्रोडक्ट के लिए करेंगे तो कभी भी सही टारगेट ऑडियंस नहीं मिलने वाला। और यही गलतियां एजेंट, एडवाइजर्स बार बार लाइफ में करते रहते हैं, वो एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न से हर प्रोजेक्ट को प्रमोट करते रहते हैं। आपको दोस्तों ये देखना है कि आपका टारगेट ऑडियंस जो उस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है वो कहाँ अवेलेबल है, वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, किसी रेफरल ग्रुप का पार्ट है, कोई बहुत बड़ी एनवायरनमेंट का पार्ट है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, प्रमोशन में मिलेगा, इवेंट में मिलेगा, एक्सपो में मिलेगा, न्यूज़पेपर से मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, किधर भी हो, 99acres से आएगा, मैजिक ब्रिक से आएगा, housing.com से आएगा, क्विकर से आएगा, मुझे नहीं पता। आपको देखना है कि आपका रियल ऑडियंस कौन है। क्या आपके प्रोडक्ट को बाय करने वाले लोग जॉब वाले ज़्यादा हैं, बिजनेस वाले ज़्यादा हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा खरीदेंगे, या प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं वो खरीदेंगे, गवर्नमेंट जॉब वाले ज़्यादा खरीदेंगे, मुझे नहीं पता, आईटी वाले ज़्यादा खरीदेंगे, वो आपको देखना है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका रियल ऑडियंस की इनकम कितनी होनी चाहिए, पर मंथ वो कितना ईएमआई एक्सपेक्ट कर सकता है या भर सकता है। ये सब जब डिटेल आपको पता होती है उसी स्टेज पर जाकर आप सही टारगेट ऑडियंस के ऊपर फोकस करना चालू करते हैं। स्टेप नंबर 4, डू नाइस एनालिसिस। अब ये नाइस एनालिसिस क्या है सर? नाइस का मतलब है एन स्टैंड्स फॉर नीड, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉन्सर्न और ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेशन। आपके टारगेट ऑडियंस की क्या नीड्स है,
क्या इंटरेस्ट है, क्या कंसर्न है और क्या एक्सपेक्टेशन है। जब तक आप ये चारों को ठीक से नहीं समझते, तब तक आप एक सही मार्केटिंग प्लान कभी डिजाइन नहीं कर सकते, सही एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर सकते, सही पैम्फलेट या सही ब्रोशर नहीं बना सकते या सही बैनर नहीं बना सकते। जब तक आपको ये ना पता हो कि आपका क्लाइंट आपके प्रोडक्ट को किस एरिया में किस रीजन की वजह से खरीदेगा। और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल वे से, जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं, जो इतनी सारी टाउनशिप्स हम मार्केट कर रहे हैं, जो 5000 से ज़्यादा यूनिट्स आज हम लोग नागपुर में प्रमोट कर रहे हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन इंडिया, आज इन सब में हम जो स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, हम आपको वो पूरे सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं इस वीडियो में। सो आपको अपने क्लाइंट के नीड, इंटरेस्ट, कॉन्सर्न, एक्सपेक्टेशन, इन सबको डिटेल में समझकर अपने मार्केटिंग प्लान को डिजाइन करना है। और पांचवी स्टेप्स है डिजाइन द प्रॉपर मार्केटिंग प्लान एंड सॉल्यूशन। जब आप ये पहली चार स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करेंगे, तभी आप पांचवे स्टेप में कुछ ऐसा प्लान लेकर आएंगे जो मार्केट में अलग होगा, जो मार्केट में यूनिक होगा, जो बहुत अच्छी लीड्स आप तक लेकर आएगा। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी लीड्स नहीं है, अच्छी लीड्स होगी तभी अच्छी सेल्स होगी, तब तक आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते, एक्सपांड नहीं कर सकते। एज एन एजेंट, एज अ रियल्टर, एज एन एडवाइजर, दोस्तों आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक सही मार्केटिंग प्लान ही सही लीड, सही टारगेट ऑडियंस को आप तक लाएगा। और फिर जब आप सही साइड विजिट और क्लोजिंग करेंगे, तभी आपको रिजल्ट जनरेट होगा। वो एक अलग साइंटिफिक प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको एक मार्केटिंग प्लान कैसे बनाए, एक मार्केटिंग गाइड ही ना पता हो, तो आप कैसे ग्रो कर पाएंगे। और अगर आप इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं, बहुत समय वेस्ट नहीं करना चाहते, तो रियल स्टेट गेम चेंजर चैंपियन प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं फॉर एजेंट, एडवाइजर्स, रियल्टर्स एंड रियल स्टेट एम्प्लॉयज, जिसकी दो बैचेस अभी पास आउट होने वाली है। और ये भारत का एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत डिटेल हम काम करते हैं आपके साथ एक एक चीज़ पे। आप चाहे तो नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे RGC चैंपियन प्रोग्राम के बारे में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। या अगर आपको लगे कि आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इन स्टेप्स को सीखकर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप कोर्स की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपको एक कंटेंट बहुत प्रैक्टिकल लगा, बहुत अच्छा लगा, तो जरूर इसके लिंक अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ताकि भारत ही नहीं वर्ल्ड में हर व्यक्ति तक सही प्रैक्टिकल इजी टू इंप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइए। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।